गाइस माय नेम इज अनूप सिंह पवार और स्वागत है आपका यूके फायर बीस चैनल पर। आए हैं दून लव पर और हमको थोड़ा सा टैटू बनवाना था और मेरे दोस्त को थोड़ा टैटू बनाना था, तो हम आए हैं भैया के पास, तो भैया से मीट माय फ्रेंड कराते हैं। दोस्त टैटू बना रहा है मुकेश राजपूत और ये भैया की दुकान है। भैया बताओ अपना नाम। राहुल नाम है मेरा और ये करीबन 2.5 साल से यहाँ शॉप है और मैं करीबन 12 साल से कर रहा हूँ। और ये मुकेश है, टैटू बनाएंगे, ये लिखवा रहे हैं गरीब। ये गरीब है नहीं वैसे, मिडिल क्लास फैमिली है पर गरीब तो बोल नहीं सकते। गरीब तो वो होता है जिसके दो हाथ दो पैर नहीं होते। तो टैटू बन रहा है, आप देखो आगे। बन चुका है टैटू मुकेश राजपूत। गाइस आज हम गए थे टैटू बनवाने, तो मेरे दोस्त मुकेश ने एक टैटू बनवाया था, उसमें लिखाया उसने अपने सीने में गरीब। तो मैंने तो बनाया एक छोटा सा टैटू, मुझे मेरा टैटू नाम लिखा होता है मेरा, तो टैटू मैंने बनाया किंग का, क्योंकि अपना नाम छुपाना था। वो थोड़ा मेले वाला स्टाइल ना यार, पैसे कम लगते हैं। 100 रुपये में मैं टैटू बन जाता था, यहाँ लगे 1000 रुपये, तो फटी है ना भाई, दर्द हुआ है ना, तो दिखा रहा हूँ मैं भी। तो गाइज आजकल चल रहा है कोरोना और घर पे रहो बाहर मरो ना, ठीक है। तो देखो सीन ऐसा है भाई का, टिकटॉक हो चुका है बंद और अब सबके हाथों में है, समझ जाओ, सब फिरा पाती है। और आजकल हमारा सस्सी भाई भी वीडियो बना रहा है, बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेके आता है तुम्हारे लिए। पहले वो भी टिकटॉक बनाते थे और एक मुकेश राजपूत भी टिकटॉक बनाते थे, हम भी बनाते थे और है में बहुत फ़र्क है, और मेरे भाई निखिल पे बहुत फर्क है। तो फिर भाई लोगों, और अंशुल मेरा दोस्त अंशुल है, हम उसके रूम पे रह रहे हैं आजकल, तो आजकल तो हो रही है खुदाई तो, पर वो रोता रहता है। अब लोग क्या बताऊँ मैं, उसका रोने का कारण ही ऐसा है कि उसकी गर्लफ्रेंड की हो चुकी है सगाई और वो सोच रहा है, अब वो सोच रहा है कैसे लौंडी भगाई, क्या करा जाए, दुनिया ही का दस्तूर ही ऐसा है, जिससे प्यार करो उससे शादी कहाँ होती है, वो किसी और के साथ घर में जाके सोती है, ऐसा ही होता है। वक्त वक्त की बात है, वरना बंदी भी मेरे साथ है। तो फिर गाइस मिलते हैं, बहुत हो गई बकचोदिया, क्योंकि सबको बकचोदिया ही पसंद है। टिकटॉक में भी बकचोदिया देखते थे, कोई लड़की बन के नाच रहा है, कोई आधा लड़का आधा लड़की बनता है, ये क्या है गाइस, क्या पसंद आता है तुम्हें, पकड़ के नाचोगे क्या यार, झुंझुना बजाना छोड़ दो, टिकटॉक हिलाना छोड़ दो। अब आ रहा है हमारा देहरादून का निखिल, वो अब नया रैप करना चाह रहा है, वो अच्छा सा रैप बनाने वाला है, तड़कता फड़कता। तो गाइस सपोर्ट करना उसे दिल से करना। हेलो गाइस, तो हाल ही में मेरे साथ एक कॉन्सिडेंट हुआ। मेरा ना एक घर था, वो उसके पीलर टूट गए और वो घर गिर चुका है, तो मेरी हालत कुछ ऐसी हो गई है अब कि ना मैं घर का हूँ ना मैं बाहर का हूँ, तो आजकल ना कपड़े हैं ना लफड़े हैं। तो आपको अभी दिखाते हैं हम आपकी अपनी वीडियो, कैसे घर गिरा और कैसे कैसे कॉन्सिडेंट हुआ। और कुछ लोग तो मेरे बारे में इतना कुछ बोल रहे थे कि भाई दब क्यों नहीं जाता उसके नीचे मर के, मैंने बोला वाह भाई वाह। और कुछ चाहने वाले इतने अच्छे थे कि उन्होंने बेचारों ने इतनी हेल्प की मेरी, मेरे साथ थे वो, मतलब क्या बताऊँ तुमको मैं, मतलब घर गिरते वक्त भी मेरे साथ थे और आज खुश भी होऊंगा तो तब भी मेरे साथ हैं वो दोस्त। उन दोस्तों का दिल से धन्यवाद करता हूं मैं,
और आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ मेरे साथ कैसा इंसिडेंट हुआ है, तो फिर आप वीडियो में मिलते हैं। सिलेंडर निकाल देते आगे मिलेंगे, और थोड़ा घंटा भी दबा दो आप यार, घंटा बजा दो, दबाने के लिए तो कुछ और है, घंटा दबाओ या घंटा बजाओ, पर आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके जाना, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके जाना, तेरा थोड़ा भाई की केयर करके जाना।